नमस्कार और हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त साक्षी और आप मेरे साथ देख रहे हैं माय उपचार। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि मॉइस्चराइजर हमारी स्किन के लिए क्यों जरूरी है और ऐसी क्या क्या बातें हैं जो मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करते समय हमें अपने ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मॉइस्चराइजर लगाने से ज़्यादा ज़रूरी है मॉइस्चराइजर को सही तरीके से अप्लाई करना। अगर आप अपने ध्यान में नहीं रखेंगे तो हो सकता है कि आप अपने स्किन को हार्म पहुंचा दें। दोस्तों, मॉइस्चराइजर यूज करना हमारे स्किन के लिए उतना ही जरूरी है जितना हमारे शरीर के लिए पानी। तो चलिए देखते हैं कि ऐसी क्या गलतियां हैं जो आमतौर पर लड़कियां अपने शरीर के साथ कर बैठती हैं और कहीं आप उनमें से एक तो नहीं। पहली गलती, कोई भी मॉइस्चराइजर यूज ही ना करना। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि मॉइस्चराइजर यूज करना सिर्फ ड्राई स्किन वालों के लिए जरूरी है तो ऐसा बिल्कुल गलत है। मॉइस्चराइजर यूज करना मिक्सचर स्किन वाले और ऑयली स्किन वालों को भी उतना ही जरूरी है जितना एक ड्राई स्किन वाले को। एक मॉइस्चराइज स्किन ना सिर्फ आपको यंग दिखने में मदद करता है पर आपकी स्किन को प्रिपेयर करता है दिन भर में आपकी स्किन से चिपकने वाली धूल, मिट्टी, पसीने या अन्य इरिटेटिंग स्टफ से प्रोटेक्ट करने में। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी स्किन ऑयली है और इस वजह से आपको कोई मॉइस्चराइजर यूज करने की जरूरत नहीं है तो आपको ऐसा बिल्कुल गलत लगता है, क्योंकि आपकी स्किन ऑयली ही इस वजह से हो सकती है कि आपकी ड्राई स्किन जो है वो सीबम यानी जो हमारा नेचुरल ऑयल होता है वो छोड़ देती है और इस वजह से आपकी स्किन ऑयली नजर आती है। दूसरी गलती, मॉइस्चराइजर अप्लाई करते समय बहुत रगड़ के या बहुत प्रेशर से मॉइस्चराइजर को अप्लाई करना। दोस्तों, मॉइस्चराइजर अप्लाई करते समय जो लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं वो यह होती है कि वो बहुत ज़्यादा प्रेशर अपनी स्किन पर अप्लाई करते हैं। ध्यान रहे कि जब भी आप मॉइस्चराइजर अप्लाई कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा प्रेशर अपनी उंगलियों पर ना लगाएं या अपनी स्किन पर बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजर को प्रेशर से ना अप्लाई करें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो प्रेशर अप्लाई करने से आप रिंकल्स को न्योता दें। ठीक है, जब भी आप मॉइस्चराइजर अपनी स्किन पर अप्लाई करें तो ध्यान रहे कि आप ये रिंग फिंगर या जिसको हम अनामिका उंगली कहते हैं इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारे हाथ में सबसे कम प्रेशर इन्हीं उंगलियों पे होता है। थोड़ा सा मॉइस्चराइजर इन उंगलियों पे लें और इसे ऊपर की दिशा में लगाएं और इसे गोल ही दिशा में घुमाते रहें। ध्यान रहें कि जब भी आप मॉइस्चराइजर अप्लाई कर रहे हैं तो उन्हें आई बैग्स की तरफ यहाँ आँख के नीचे जहाँ डार्क सर्कल्स अपीयर हो रहे हैं यहाँ लगाना ना भूलें। तीसरी गलती, गलत मॉइस्चराइजर यूज करने पर स्किन को नुकसान। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि मॉइस्चराइजर यूज करना हम सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, पर उससे भी सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है कि हम ये चीज अपने दिमाग में अच्छी तरीके से बिठा लें कि हर मॉइस्चराइजर हमारी स्किन टाइप के लिए नहीं बना है। अगर किसी प्रोडक्ट पे ये लिखा हुआ है कि इट इज ओनली फॉर मेन एंड इट इज ओनली फॉर वुमेन तो उसका कोई ना कोई रीजन जरूर रहा होगा। जरूरी नहीं कि हर प्रोडक्ट आपके स्किन के लिए बना हो। तो अगर आप अगली बार शॉपिंग के लिए जाएं अपनी स्किन के लिए कुछ खरीद रहे हो तो हमेशा एक चीज ध्यान रहे कि वो प्रोडक्ट आपकी स्किन के लिए बना हो। हमेशा ध्यान से पढ़ लें कि क्या उस क्रीम के पीछे लिखे हुए इंग्रेडिएंट्स आपकी स्किन को सूट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ऑयली स्किन वाले इंसान हैं तो आप ध्यान से पढ़ लें कि आप एक लोशन जरूर लगाएं। आप फेस क्रीम को जितना इग्नोर कर सकें आप उतना इग्नोर करें, क्योंकि हो सकता है उससे आपकी स्किन पर पिंपल्स आ जाएं या फिर बहुत सारे टाइप के इरिटेशन या एलर्जी होने लगे। चौथी गलती, मॉइस्चराइजर लगाने के तुरंत बाद मेकअप करना। दोस्तों, आमतौर पर मैंने देखा है कि लड़कियां मॉइस्चराइजर लगाने के तुरंत बाद मेकअप करने लगती हैं। ऐसा करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऐसा करने पे आपके फेस पे छोटे छोटे बम्स या एक्ने अपीयर होने लगेंगे और आपका मेकअप पूरे दिन टिकेगा भी नहीं। इसलिए मॉइस्चराइजर को कम से कम 2-3 मिनट दीजिए ताकि वो आपके फेस पे प्रॉपरली सेटल डाउन हो जाए और आपका फेस मॉइस्चराइजर को अच्छी तरह अब्सॉर्ब कर ले। अगर आप बहुत जल्दी में हैं तो एक टिश्यू या एक कॉटन पैड को हल्के हाथों से और हल्के प्रेशर से अपने पूरे फेस पे घुमाइए ताकि एक्स्ट्रा मॉइस्चर जो आपके फेस पर है वो टिश्यू और कॉटन पैड एब्जॉर्ब कर ले और उसके बाद आप मेकअप करने के लिए रेडी हो सके। पांचवी, आखिरी और सबसे बड़ी गलती, आप एक्सफोलिएट नहीं करते। दोस्तों, एक्सफोलिएट करने का मतलब आपकी स्किन को घिसना नहीं होता है। अपनी स्किन को घिसने से आप अपनी स्किन में से दरारें पैदा करते हैं। एक्सफोलिएट करने का मतलब होता है आपकी स्किन के ऊपर जो डेड स्किन की बहुत मोटी सी लेयर होती है उसको हटाना। एक्सफोलिएट करने से आपकी स्किन जो होती है वो अच्छी तरीके से ब्रीथ कर पाती है, ना कि अपने पोर्स ओपन करती है। ऐसा आपको रोज नहीं करना होता है, सिर्फ हफ्ते में 2 या 3 बार ही करना होता है।
एक्सफोलिएशन से आप मॉइस्चराइजर की जो प्रोसेस होती है उसको बहुत अच्छी तरीके से बढ़ावा देते हैं और उस वजह से आपके चेहरे का निखार और भी लंबे समय तक टिका रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि हमारा चैनल आपको लेटेस्ट अपडेट्स पहुँचाता रहे तो नीचे दिए हुए बेल आइकन का दबाना ना भूलें। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।